आखिर क्यों हुई थी मामा भांजे की लड़ाई? जी हाँ दोस्तों, मामा गोविंदा और भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच क्यों हुई थी लड़ाई, जिसके बाद गोविंदा और कृष्णा अभिषेक एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना पसंद करते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? तो आइए जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच लगभग 7 सालों से जो कि लड़ाई चल रही है और मनमुटाव आखिरकार अब जो कि खत्म भी हो गया है। दोनों ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में एक साथ दिखे और इस दौरान गोविंदा ने खुलासा किया कि उनके और कृष्णा के बीच विवाद की आखिर असली वजह क्या थी। कपिल शर्मा के शो में गोविंदा ने कृष्णा के साथ हुए झगड़े पर खुलकर बात भी की और इस दौरान दोनों ने न केवल पुरानी बातों को सुलझाया बल्कि रिश्तों में आई दरार को भरने की भी कोशिश की। आखिर किस बात पर हुई थी लड़ाई? गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा एक कॉमेडी शो में कृष्णा के किए गए मजाक से काफी नाराज हो गई थी और मामला तब और बढ़ गया जब कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह और सुनीता के बीच सोशल मीडिया पर भी काफी बहस हो गई थी। इससे परिवार के रिश्तों में जो कि तनाव आ गया। फिर उसके बाद गोविंदा ने कहा कि मैंने उसको नाराज होकर पूछा कि ये कौन से डायलॉग हैं जो तुमसे लिखवाए जाते हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि उसे अपना काम करने दीजिए। इस बात पर कृष्णा ने कहा कि अगर कोई गलतफहमी हुई है तो वह माफी मांगने के लिए तैयार हैं। शो के दौरान कृष्णा जो कि काफी भावुक दिखे और बोले, मेरा 7 साल का वनवास आज खत्म हो गया। बता दें कि गोविंदा और उनके भांजे कृष्णा अभिषेक के बीच काफी दिनों से जो कि लड़ाई चल रही थी, जिसकी ये थी असली वजह। जैसा कि आपको बता है कि अभी हाल ही में गोविंदा को गोली लगी, जिसके बाद कृष्णा अभिषेक उनको देखने नहीं पहुंचे थे क्योंकि कृष्णा अभिषेक ऑस्ट्रेलिया में थे, जिसके कारण अपने मामा को देखने नहीं आ पाए। फिर यूजर्स ने जो कि क्लास लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कृष्णा अभिषेक मामा गोविंदा को देखने के लिए भी आए।